Madam Finance Minister, first let me tell you that it is very difficult to sit through the entire discussion, but I can see that you have been sitting here right from the morning. Thank you very much. Ma'am, आज मैं सुबह जब morning walk के लिए गया तो मैं सोच रहा था, अक्सर उस वक्त सोचता आदमी की क्या बोलना है, कैसे रखनी है अपनी बात. असल में दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट मैंने वोट किया ना हो, मैंने ना चाहा हो, फिर ये मेरी सरकार भी है, ये हमारी सरकार है. और हमारी सरकार अगर फेल करती है तो हम भी फेल करते हैं. तो हमारी आलोचना को मैं सुझाव के तत्व भी तलाशे जाएं, सलाह के तत्व भी तलाशे जाएं, क्योंकि आलोचना महज आलोचना के लिए नहीं होती है, कई दफ़ा उसके अंदर मायने होते हैं. मैं इस बात को पहले एक सामने रखना चाहता था. मैम चेयरपर्सन, आज सुबह फिर दूसरा एक वाकया हुआ. मैंने एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में दो खबरें पढ़ी. पहली खबर थी, शेयर इन वर्कफोर्स ऑलरेडी फॉलिंग, कोविड जॉब लॉसेस हिट वुमेन हार्डर. ये और ये पूरी मैंने ही नहीं पढ़ी होगी, कई लोगों ने. मैं चाहता हूं इसका संज्ञान लिया जाए क्योंकि बहुत गंभीर मसला है. दूसरा, उसी अखबार में एडिटोरियल पेज पे ऑपेड पे एक पीस है जो कहता है व्हाट दे लॉस्ट इन लॉकडाउन. एक साल हो रहे हैं आज, हम संभवतः इफ आई एम नॉट रॉन्ग आज ही के दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, 24 मार्च. इट सेज अ ईयर सिंस माइग्रेंट एक्सोडस, सोशल नेट्स फॉर पुअर हैव वीकेंड फर्दर. सो मैम, असल में ये फिनेंस बिल है और फिनेंस बिल के बारे में जब मैं देखता हूं कि सेक्शन 72A ऑफ द बिल प्रोवाइड्स फॉर मेजर्स टू फैसिलिटेट डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, नीड टू रेज द रिवेन्यू इज अंडरस्टैंडेबल, समझ में आता है कि रिवेन्यू चाहिए, खर्चे कैसे चलेंगे, प्राथमिकताएं कैसे तय होंगी, लेकिन इज इट नेसेसरी, आई एम पुटिंग फॉर्थ एन आर्ग्यूमेंट, इज इट नेसेसरी टू डू इट बाय एंटरिंग इनटू ब्रेजन सेल ऑफ पब्लिक एसेट्स. मुझे अक्सर लगता है कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इसमें डिसइन्वेस्टमेंट होने जा रहा है. हम ये बात भूल जाते हैं क्योंकि आजकल 70 साल वाला बहुत गंभीर एक आरोप चलता है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ. मेरे सामने जो माइक है वो 70 साल की ही संभवतः देन होगी जिससे मैं बोल रहा हूं ये बात, जिससे वो ये बात कहते हैं. मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे विजय साई रेड्डी जी ने जिक्र किया, वो तो उस राज्य से आते हैं. मैंने पहले भी सदन में कहा कि हर तीसरे दिन मुझे रिप्रेजेंटेशन आता है वाइजेग स्टील प्लांट का. बैंक एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेशन देते हैं, हम उनकी आवाज यहां बनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब कभी आप इस प्रकार का कोई निर्णय ले तो वह स्वामित्व में बदलाव का निर्णय नहीं होता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के रिश्ते, उनकी पहचान, उस पर भी असर करता है. तो क्यों उनसे क्यों संवाद नहीं होता है, यह मेरा आग्रह होगा. अगर डिसइन्वेस्टमेंट आपने सोच ही लिया है और जब आप कुछ सोच बैठते हैं तो आप पीछे नहीं हटना चाहते हैं, भले लोग दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठ करके कराते रहें. दूसरी चीज, मेरा एक डर भी है कि सच प्राइवेटाइजेशन, प्रोबेबली आई वुड वॉन्ट माई ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर टू क्लैरिफाई, इट माइट लीड टू द काइंड ऑफ क्राइसिस विच यूएस फेस्ड इन 2008. आई एम जस्ट वरीड, आई होप माई वरी इज रॉन्ग. अब आप आज विदेशों में दवाइयां भेज रहे हैं और अच्छे से भेज रहे हैं, गुडविल कमा रहे हैं. आपने वैक्सीन मैत्री का नाम दिया और भी कई नाम है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि 70 साल में पब्लिक सेक्टर की फार्मा कंपनियों ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है. ये आप अगर इस बात को भूल करके सीधे तय कर रहे हैं कि सब कुछ निजी हाथों में दे देना है, तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं आई विश यू गुड लक. क्योंकि बार बार सदन में दोहराता हूं, कल भी एक चर्चा ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हो रही थी कमरे में, कहा कि अब कि बिल है, चर्चा कर लीजिए, आप वोट करवा लीजिए, आपका नंबर है साहब. लेकिन नंबर ही लोकतंत्र में एक माध्यम है, वो इट इज नॉट एन एंड, इट इज अ मींस. आप मींस और एंड का जो फर्क है उसको खत्म कर रहे हैं. इसलिए आप तो 52 में तो विपक्ष था ही नहीं 52 में, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं 52 में विपक्ष को कितना वक्त मिलता था, विपक्ष की कितनी सुनी जाती थी, और सरकार के अंदर ही विपक्ष था, कांग्रेस के बाहर के लोग बहुत कम थे, कांग्रेस के अंदर विपक्ष था,
वो विपक्ष आपके यहां नहीं हो भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, लेकिन वो विपक्ष चाहिए। अगर हमारी संख्या कम है और आपके दिल में यह बात छूती है तो आपको भी बोलना चाहिए, इस पर आपको कहना चाहिए। क्योंकि मैं तो ये पहले भी मानता हूं कि कोई भी दल, कोई भी विचारधारा अमृत पी के नहीं आए, आप हमेशा रहेंगे। मैंने कहा ना, वो एक विज्ञापन है, डायमंड्स आर फॉरएवर, हीरा सदा के लिए। हीरा सदा के लिए हो सकता है, व्यक्ति सदा के लिए नहीं होता, दल सदा के लिए नहीं होता और विचारधारा सदा के लिए नहीं होती। हमने विचारधाराओं का खात्मा देखा, पार्टियों का खात्मा देखा है। 101 और 102 फाइनेंस बिल का कहता है, प्रोपोज्ड चेंजेस टू ऑडिट रेजिम फॉर जीएसटी टू अपेरेंटली ईज द बर्डन ऑन बिजनेस। मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं बुरा मैं कतई नहीं मानता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैंने आज तक नहीं सुना ईज ऑफ वर्किंग कंडीशन। मैं बिजनेस विरोधी नहीं हूं, हो भी नहीं सकता, मुल्क नहीं चल पाएगा, देश नहीं चल पाएगा, लेकिन एक सेफ्टी नेट होना चाहिए। वो सेफ्टी नेट खत्म होता जा रहा है मैम चेयरपर्सन, और ये खात्मा दुखद है। मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा हमारे विपक्ष के लोग, ट्रेजरी बेंच के लोग इसको ध्यान में रखेंगे। मैं बिहार से आता हूं और बिहार के बारे में बीते दिनों में कई दफा एक बात कही है, मैम बिहार सामूहिक चिंता का विषय हो चला है। मैं सिर्फ सदन में कल क्या हुआ उसमें नहीं जाना चाहता, बिहार में रोजगार की स्थिति, जब मैं गांव जाता हूं, अपने शहर जाता हूं, नजर छुपानी पड़ती है। मैडम कोई लोग कहते हैं नौकरी दिलवा दो, कहीं नौकरी दिलवा दो, नौकरी दिलवा दो, कुछ अवसर ही नहीं। बाल्यावस्था से युवावस्था में आने के बाद वहां बच्चे वृद्धावस्था में सीधे जा रहे हैं, एजिंग फास्ट हो रही है। कारण क्या है? कुछ है नहीं, धूल धूप वर्षा, और वो भी कहर लेके आती है। मैं माननीय वित्त मंत्री साहिबा से आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के, आप स्पेशली बिहार को फोकस करिए। ये कहा जाता है कि कोई बच्चा कमजोर हो, उस कमजोर बच्चे को आप अच्छी नजर से देखिए, थोड़ा दूसरों से अलग व्यापक नजर से देखिए, विशाल हृदय के साथ देखिए, बिहार को जरूरत है। क्योंकि बिहार में रोजगार के अवसर नहीं होंगे, निवेश के अवसर नहीं होंगे, बिहार में अगर बाहर नहीं होगी ना तो देश में कभी बाहर नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं बिहार का सर्वांग, देश का सर्वांगीण विकास हो, तो बिहार पर आप एक्स्ट्रा फोकस कीजिए, चाहे एक्स्ट्रा पैकेज या गो बैक टू योर कमिटमेंट ऑफ स्पेशल स्टे। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, खैरात नहीं है, लेकिन आज मैं याचक की तरह आपसे मांग रहा हूं कि बिहार को अलग नजरिए से देखिए, थोड़ा ज्यादा देखिए, क्योंकि बिहार बहुत पीछे छूट गया है। कल ही मैंने सदन में कहा था कि बिहार इस देश का जो एक होता है ना इकोनॉमिक थियरी में अंडर डेवलपमेंट की मेट्रोपोलिस एंड सैटेलाइट, बिहार उसमें आपका सैटेलाइट बन गया है, थर्ड वर्ल्ड है। उस थर्ड वर्ल्ड के नजरिए से उसको निकालिए। मैं कुछ छोटी छोटी चीजों पर मैम थोड़ा अलग से कहना चाहता था, जैसे बाकी मेरे बहुत सारे साथी अलग अलग विषयों पर, मैं शिक्षा पे थोड़ा अलग से मैम फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखना चाहता हूं। तकरीबन 320 मिलियन बच्चों की शिक्षा कोविड में प्रभावित हुई है। ये कौन बच्चे हैं इसके लिए हमें रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं चाहिए। ये बच्चे दलित पिछड़े गरीब वर्गों से आते हैं। इन बच्चों के लिए, इनमें लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इनके लिए आपके बजटरी एलोकेशन में कुछ ज्यादा व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जिसका अभाव हमने देखा है। बल्कि ये कहूं कि 6.13% लोअर है और बीते पीछे साल के बजट के अनुपात में, जो कि ज्यादा होना चाहिए था। दूसरा आता है मामला मैडम कुपोषण का, कुपोषण और कोरोना। कोरोना के दौरान कुपोषण की जो अवस्थिति है वो और भी गंभीर होती गई। ये कुपोषित बच्चे हैं कौन? फिर मैं कह रहा हूं ये रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं। Honorable member, you'll have to start concluding. You have a minute. मैम वो क्या कहते हैं ना, कोई बात नहीं मैम, कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं देता। आई हैव जस्ट बीन टोल्ड दैट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद टाइम, दैट्स व्हाई। मैम बस मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने देखा है कि बाकी लोगों के साथ थोड़ा उदार चरित्र रहा है आज, तो मैं भी। मैं दूसरी चीज
असल में बीच में झटका लग जाता है वो मैल न्यूट्रिशन और कोविड को लेकर के। मैं मैम फाइनेंस मिनिस्टर सारे चार को रैशनलाइज करके एक योजना बना दी गई है पोषण 2.0 जिसमें भी 18.5% का डिक्लाइन है। हेल्थ के बारे में मैं पहले कह चुका हूं, उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। रूरल इकोनॉमी ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, आप बहुत तरह की क्राइसिस फेस कर रहे हैं। मैंने कल ही कहा था, हमारे एमओएस फाइनेंस थे यहां, मैंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चिंता का विषय है, और चूंकि चिंता का विषय है तो जहां से चिंताएं दूर हो सकती हैं उन विषयों पे हमें करना चाहिए। और सबसे ज्यादा सिल्वर लाइन अगर आपको दिया है, आपके रूरल सेक्टर ने दिया है, अग्रेरियन सेक्टर ने दिया है, जिसने आपको कोविड के दौरान इतना दिया, आप उसके पक्ष में और गंभीरता से खड़े होंगे तो बेहतर होगा। एक चीज जो मैं बीते कई दिनों से सोच रहा था, मैं मेंटल हेल्थ को लेकर के हमारा नजरिया, आप मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट में एलोकेशन देखिएगा जब डिवॉल्व करते हैं। मैम बस एक मिनट, मैं समझता हूं कि अगर साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का रेशियो देखिए ये खतरनाक है, और बजट एजुकेशन को लेकर फिर ओवरऑल कह रहा हूं, 54,874 करोड़ रुपए दिए गए स्कूल एजुकेशन में, विच इज कंपेयर 5,000 लेस देन 59,845 करोड़। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब आपके संविधान के चरित्र को देखते हैं, प्रियम्बल को देखते हैं, द आइडिया ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। मैम फाइनली मैं फिर से कहता हूं कि एक नव उदारवाद का जो दौर है बाजार का, मैं जानता हूं बाजार की अपनी शर्तें होती हैं, लेकिन अमेरिका से ये लहर शुरू हुई थी, लेकिन वहां बर्नी सैंडर्स, मैम 30 सेकेंड्स, बर्नी सैंडर्स की जो लहर है ना, उससे हमें कब सीखना चाहिए इस देश में भी। और मैं आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जुगल जी अभी नहीं, हाँ आ गए, इन्होंने कहा था, मैं वहीं खत्म कर दूंगा, शाम गम कुछ उस निगाह नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो, कुछ कफस की तीलियों सा, कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फजा, कुछ हसरत परवाज की बातें करो। जय हिंद।